बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए थे, अब उनकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है, क्योंकि इंटर का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है। क्योंकि ये देख लीजिए, मैं जो है ना आज लेकर आया हूँ, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, बिहार बोर्ड के द्वारा यह जारी किया गया है, ये आज का एक खबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके कि क्या है नियम, क्या है रिजल्ट की स्थिति, और बिहार बोर्ड जो है ना अभी तक कितना रिजल्ट तैयारी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको है ना बिहार बोर्ड के अनुसार, बिहार बोर्ड ने यह भी बताया है कि सूत्र के अनुसार मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जो है ना होली से, इंटर का जो रिजल्ट है वो होली से पहले जारी होगा, और जबकि मैट्रिक का जो रिजल्ट है होली के बाद जारी होगा, ठीक है। अब कब जारी होगा, कितना बजे जारी होगा, इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक देखना है, और ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको बस इसको देखते जाना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, समझिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मैट्रिक की जो परीक्षार्थी थे लगभग जो है ना वो 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक में शामिल हुए थे, जबकि इंटर की बात क्या है, इंटर की बात किया जाए तो 14 लाख से ज़्यादा अधिक विद्यार्थी शामिल होते, वह जबकि मैट्रिक की बात किया जाए तो 16 लाख से भी ज़्यादा अधिक विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा बोर्ड में शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपके मैं बता दूं कि है ना इस वीडियो को आप जो है ना विस्तार से देखिए और समझिए कि क्या हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस हिसाब से जो है ना हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, कैसा स्थिति है मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट का, इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक बस देखना है, ठीक। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है कि बिहार बोर्ड के अनुसार पिछले कुछ साल की स्थिति की बात की जाए तो इस साल जो है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट जारी होगा। उसके साथ साथ बिहार बोर्ड जो है ना कितना रिजल्ट तैयारी कर चुका है और कितना है ना हम लोग को है ना ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कितना पर जो है ना फर्स्ट डिवीजन है, सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले बात किया जाए तो बिहार बोर्ड के अनुसार ये बताया गया है कि इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो होली से पहले आएगा, और इंटर की जो परीक्षा जो हुए थे वो है ना 1 फरवरी से 14 फरवरी तक हुआ था, जिनमें जो है ना 14 लाख से भी ज़्यादा अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, और वही जबकि मैट्रिक की परीक्षा की बात किया जाए तो लगभग जो है ना 16 लाख से भी अधिक विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इस परीक्षार्थियों ने अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है, क्योंकि इसी साल जो है ना एक नया इतिहास बिहार बोर्ड ने रचने जा रहा है और ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि पिछले के हिसाब से इस साल की जो बात किया जाए तो काफ़ी जो है ना तेज़ी से है ना कॉपी के मूल्यांकन हो रहा है, सभी चीज़ का जांच हो रहा है, और सभी चीज़ जो है ना एकदम जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपी का जो मूल्यांकन हुआ था वो 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चल रहा था, जिनमें जो है ना लगभग जो है ना 11 से 12 दिन के अंदर में आपका पूरा कॉपी का मूल्यांकन जाँच हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको देखिए, यहाँ पर बताया है कि इस साल सबसे बेहतर इंटर की रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले, और उसके बाद जो है ना मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा, ये पूरा संभावना है बताया गया, और मैट्रिक का मार्च के अंतिम सप्ताह में, मैट्रिक का जो है ना मार्च के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। उसके साथ साथ जो है ना क्योंकि इंटर की जो कॉपी का जो मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, और क्योंकि 26 फरवरी से 8 मार्च तक जो है ना चला था और यही मूल्यांकन जो है ना पूरा खत्म हो गया, उसके साथ साथ जो है ना उत्तर पुस्तिका के जो मूल्यांकन है वो 50% था ऑब्जेक्टिव का, वो भी आंसर की बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा, इससे आपको 2 प्रॉफिट मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अगर आप इंटर का जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट, इससे आपको है ना 2 प्रॉफिट ये होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मिल जाएगा, इससे आपको पता होगा कि हमारा कितना रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ साथ कहीं आपका रिजल्ट तो पेंडिंग तो नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा, तो इससे है ना आपका पूरा बायोडाटा आएगा, और रोल कोड, रोल नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है।
तो मैं पिछले साल की बात किया है, तो पिछले 5 से 6 साल की बात किया जाए तो काफ़ी इस साल जो है ना बेहतर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि तुरंत मूल्यांकन के तुरंत बाद 1 सप्ताह के अंदर में बिहार बोर्ड जो है ना इंटर का रिजल्ट जारी करेगा। उसके साथ जो है ना पहला काम यह है कि इंटर की जो भी छात्र टॉपर होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ साथ जो है ना उसका जो है ना फिर से कॉपी जांच किया जाएगा, उसके साथ जो है ना उसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जाएगा और उसको जो है ना ऑनलाइन जो है ना आपको है ना उससे ये लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है तुरंत बाद जो है ना मैट्रिक का टॉपर लिस्ट जारी होगा, उसके साथ जो है ना उसका वेरिफिकेशन होगा, उसकी कॉपी की जांच होगी, उसके साथ जो है ना इंटर का जो है ना मैट्रिक का जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप जान गए होंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है ना तुरंत मार्च के पहले अंतिम सप्ताह में जारी होगा, जबकि इंटर का जो रिजल्ट है वो होली से पहले जारी कर दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है। और कैसे आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं इस वीडियो में आप जान लीजिए कि रिजल्ट को चेक करने का बहुत सारा साइट होता है, लेकिन बहुत सारे साइट में ऐसे होता है जो नहीं बच्चों को दिखा पाता है और बच्चे जो है ना काफ़ी परेशान हो पाते हैं ठीक है। तो इस वीडियो में जो है ना आपको बता दें कि इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको जो है ना यह भी बताया जाएगा कि जो है ना इंटर का जो रिजल्ट है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ, और कैसे जो है ना ऑनलाइन बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो है ना अपने मोबाइल से है ना कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करूँ और आपका रिजल्ट का आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिजल्ट हमको कैसे चेक करना है, ठीक है।